Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another series of fixed preposition. Fixed preposition हमने पहले भी बहुत सारा किया हुआ है and आप देखोगे कि fixed preposition आप कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आपका fixed preposition के साथ साथ आपका word power भी enhance हो रहा है. ठीक है, बहुत सारे new words सीखने को भी मिल रहे हैं. ठीक है, तो now let's start. आज हमने बहुत सारे words लिए. ठीक है, आपका काम आसान करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि सारे वर्ड्स को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया. वर्ड्स मींस द वर्ड्स दे हैव व्हिच हैव द सेम मीनिंग. ठीक है, एक मीनिंग वाले वर्ड्स एक जगह कंसंट्रेटेड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अफेक्शन. अफेक्शन होपफुली एवरीबॉडी नोज अफेक्शन का मतलब क्या है. लगाव, किसी के प्रति लगाव, झुकाव, लगाव. लाइकिंग का मतलब भी वही होता है, फॉन्डनेस, प्रोपेंसिटी, पेंशेंट. पेंशेंट का मतलब भी है नेचुरल झुकाव. Affinity, preference, inclination, no doubt सारे words का meaning तो same है. No doubt word सारे word का meaning same है, तो preposition भी same लेगा. देखो आप preposition के साथ साथ आप बहुत सारे new words भी सीख रहे हैं. सारे words का meaning same है और सारा word, ठीक है, अपने साथ कौन सा preposition लेता है, that is to. सारा word अपने साथ लेता है for. ठीक है, affection for. You have a liking for, fondness for, propensity, penchant, सबके साथ for preposition आता है. But दो तीन चीज और ध्यान रखना है कि जैसे मैंने affection लिखा और एक word आता है affectionate. कभी कभी students ये भी चीज ध्यान रखना है कि part of speech बदलता है तो हमारा preposition भी change हो जाता है. Affection क्या है, जितने भी शन शन वाले words होते हैं, जो भी word T-I-O-N से खत्म हो, S-I-O-N से खत्म हो, सारे क्या होते हैं, noun. और अफेक्शनेट क्या है, अफेक्शनेट इज एडजेक्टिव. तो कभी कभी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है तो प्रेपोजिशन भी बदलता है. इसे अफेक्शनेट कई बार हमारे एग्जाम्स में आया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, अफेक्शन एक नाउन है और अफेक्शनेट एक एडजेक्टिव है. जब ये नाउन फॉर्म में होता है तो ये अपने साथ फॉर लेता है, बट यही जब एडजेक्टिव आ जाता है तो ये अपने साथ टू लेता है. ठीक है, अफेक्शनेट टू बट अफेक्शन फॉर. Then again हम दूसरे वर्ड पे आते हैं. You have the word fond, fondness. ठीक है, हमारे पास वर्ड है fondness. Fondness के साथ तो अभी मैंने for लगाया. Fondness, ness वाले वर्ड्स भी नाउन होते हैं. But अगर fond वर्ड आ जाता है, fond भी एडजेक्टिव है, तो ये भी ये अपने साथ क्या ले लेता है, of. ठीक है, fondness for but fond of. Then एक और वर्ड पे चलते हैं, that is preference. Preference noun है, noun form में है तो हमने क्या लगाया, for लगाया. Then you have the word prefer. प्रेफर वर्ब है, यह आपका वर्ड हो प्रेफरेबल. ये वर्ब फॉर्म में या एडजेक्टिव फॉर्म में आता है तो ये अपने साथ टू लेता है. ओके, तो एक्सेप्शन तो आपके हर जगह होते हैं, तो चीजों को ध्यान रखना है कि अफेक्शन नाउन है, नाउन है तो इट विल टेक द प्रेपोजिशन फॉर, और अफेक्शनेट इज एन एडजेक्टिव, ये अपने साथ टू लेगा. उसी तरह फॉन्डनेस नाउन है तो ये फॉर लेगा, बट फॉन्ड कभी भी फॉन्ड फॉर नहीं बोलते, यू से फॉन्ड ऑफ. अगेन प्रेफरेंस फॉर, बट प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू आता है. ओके, ये सब एक्सेप्शंस को भी ध्यान में रखना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, लॉयल. लॉयल मतलब किसी के प्रति वफादार होना. लॉयल, फेथफुल, ट्रू. जैसे ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपनी बातों का पक्का है. ड्यूटीफुल, ओबीडियंट, कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड, सारे वर्ड्स का मीनिंग मोर और लेस सेम है. ठीक है, वफादारी के सेंस में, वफादार के सेंस में, और वर्ड सबका मीनिंग सेम है तो ये अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेते, ये भी टू लेते. शी इज लॉयल टू, फेथफुल टू योर कंट्री, ट्रू टू हिज वर्ड्स, ड्यूटीफुल टू, यू आर ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स, यू आर कमिटेड टू, डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू. ठीक है, ये अपने साथ टू लेते. नाउ कम टू द नेक्स्ट सीरीज, दैट इज इमर्ज. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्ज. इमर्ज का मतलब होता है उत्पन्न होना. ठीक है, ओरिजिनेट होना, किसी चीज की शुरुआत, स्रोत. इमर्ज, ओरिजिनेट, स्टेम. यहाँ स्टेम का मतलब वो मत समझ लेना तना, पेड़ वाला, क्योंकि यहाँ मैंने सारे वर्ड को एज अ वर्ब यूज किया है. स्प्रिंग, एमिनेट, अराइज, सबका मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पन्न होके किसी चीज से उत्पन्न होना, ओरिजिनेट होना. और सारे वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, दैट इज फ्रॉम. ठीक है, यू इमर्ज फ्रॉम, दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम, स्टेम्स फ्रॉम, ये बहुत बार आया एग्जाम में, दैट इज स्टेम्स फ्रॉम, स्प्रिंग्स फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, arise from, किसी कोई चीज किसी चीज से उत्पन्न होके हो रहा है, originate हो. Then we have the next word, that is devoid. Devoid का मतलब क्या होता है, what is the meaning of devoid? Devoid का मतलब होता है वंचित होना. ठीक है, किसी चीज से वंचित या किसी चीज की कमी.
डिवॉइड, डिप्राइव का मतलब वंचित, बिरेफ का मतलब भी वंचित, डेन्यूडेड, डेफिशिएंसी, लैक, डेस्टिट्यूट, सबका मतलब होता है कमी या वंचित के सेंस में। और सारे वर्ड्स अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेते हैं, दैट इज ऑफ, डिवॉइड ऑफ, डिप्राइव ऑफ, दैट इज बिरेफ्ड ऑफ, डेन्यूडेड ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ। ओके, ऑल दिस वर्ड्स नो डाउट दे कन्वे द सेम मीनिंग, मीनिंग इसका सेम है तो प्रेपोजिशन भी सेम लेगा। बट यहाँ भी थोड़ा एक्सेप्शन देखें, एक्सेप्शन इन द सेंस कि यू हैव द वर्ड डेफिशिएंसी, ठीक है, आपके पास डेफिशिएंसी, अभी तो मैंने बोला डेफिशिएंसी के साथ ऑफ लगे, लेकिन हमारा एक वर्ड है डेफिशिएंट, ठीक है, आने वाले सीरीज में मैं आपका काम और इजी कर दूंगी। ओके, आपको दिक्कत नहीं होगी, आने वाले सीरीज में आपको दिक्कत इस बात पे नहीं होगी ना कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे पता करें कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, वर्ब है, इसका भी हम एक सीरीज करेंगे, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो कि डेफिशिएंट एडजेक्टिव, तो डेफिशिएंट एडजेक्टिव फॉर्म में है ना, तो इसके साथ इन लगे, डेफिशिएंट इन, बट डेफिशिएंसी इज अ नाउन तो इसके साथ क्या लग रहा है, ऑफ। देन आपके पास एक वर्ड है लैक, लैक के साथ भी ऑफ लगता है, बट जब भी हमारे पास लैकिंग वर्ड आती है, लैकिंग के साथ, वांटिंग के साथ, सबके साथ इन लगता है, ठीक है, डेफिशिएंट इन, लैकिंग इन, वांटिंग इन। कुछ बच्चों के मन में आया कि हमने तो वांटिंग वर्ड सुना नहीं है, ठीक है, वांटिंग वर्ड नहीं होता है, बट जीरेंट फॉर्म में होता है, मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। तो लैकिंग, वांटिंग, डेफिशिएंट सब इन लेगा, अदरवाइज और बाकी सारे वर्ड्स अपने साथ क्या लेंगे, दैट विल टेक ऑफ, ठीक है। तो आगे भी हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन का सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, एंड आई वांट यू पीपल के इसका आप एकदम फायदा उठाइए, क्योंकि दो तीन महीने बाद तो नो डाउट आपके एग्जाम्स होंगे ही, और ये सबको याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी से इसे शुरू हो जाए, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड द वीडियो रियली फ्रूटफुल तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। चलो, थैंक यू।